सब खबर रखता है मेरा पीर मुरीद की सब खबर। वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, वो शख्स जिंदगी में बिगड़ता नहीं कभी, जिस शख्स पर पड़ी है मेरे पीर की नजर। Thank you.
अध्यक्ष मेला कमेटी इनके साथ श्री धर्मपाल प्रधान ग्राम पंचायत क्रिया श्री पुरुषोत्तम हिमान जी चीफ छिंज मेला कमेटी 2018 छिंज मेला कमेटी 2018 की तरफ से यहां पर आए हुए सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत वेलकम ख्याल रखा। और आप सभी को बता दूं कि तीसरे वर्ष लगातार इस महादंगल का आयोजन श्री देशराज राणा जी अध्यक्ष छिंज मेला कमेटी इनके साथ श्री धर्मपाल जी प्रधान ग्राम पंचायत क्रिया श्री पुरुषोत्तम धीमान जी चीफ ऑर्गेनाइजर श्री वीर सिंह मल्होत्रा जी कैशियर कम सेक्रेटरी छिंज मेला कमेटी श्री रमेश महाजन जी उप सचिव छिंज मेला कमेटी क्रिया श्री सानू भाई अखाड़ा मैनेजमेंट कमेटी इनके द्वारा बहुत अच्छे से दंगल
प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और आप सबके मध्य में ये दंगल आप सबको देखने को मिलेगा। बाहर से आए हुए अखाड़ों के पहलवानों को आपके बीच में ये अखाड़ा दंगल देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री विशाल अग्रवाल जी, श्री विजय अग्रवाल जी, श्री सतपाल मेहरा जी, श्री अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर जी और जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स हैं, जितने भी क्रिया दंगल कमेटी के मेंबर्स जिनकी ओर से इस दंगल को, इस मेले को बहुत बड़े स्तर तक आप सबके माध्यम से पहुंचाया जाएगा, आप सभी का बहुत बहुत मैं बधाइयां देना चाहता हूं कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने दंगल मेला जो है बहुत धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा श्री वीर सिंह मल्होत्रा जी का, उन्होंने मुझे एक मात्र फोन किया और इस अखाड़े से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की है और आज मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है मात्र और मात्र क्रिया के अखाड़े की वजह से। और मैं वीर सिंह मल्होत्रा जी को मना नहीं कर पाया, अंकल जी को मना नहीं कर पाया और मिली है। और जो मीडिया के हमारे बंधु हैं इनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। चंबा हलचल और अन्य जो हमारे मीडिया के बंधु हैं इनके माध्यम से दंगल आज शाम को आप सब तक पहुंचेगा। और मेरे सबसे निवेदन रहेगा कि अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकालिए, अपने अपने मोबाइल फ़ोन में चंबा हलचल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर इस क्रिया के महादंगल को देखिएगा। धन्यवाद। मेरी पहलवान भाइयों से बार बार निवेदन कि जितने भी पहलवान जहां पहुंचे हैं कृपया अखाड़े के बीच में चलिए अखाड़े में और सोहेब अखाड़े के बीच में रेफरी के तौर पर बिल्लू पहलवान जी कुश्तियां ऑब्जर्व कर रहे हैं। शानुभा जी दीपक जी जहां पहुंच चुके हैं जी, आप खड़ा करें कि जो भी पहलवान मेरी आवाज को सुन पा रहा है कृपया अखाड़े के बीच में आ जाए। पहलवान साथी अखाड़े के बीच में आ जाएं। बहुत बढ़िया है। मुख्य अतिथि महोदय जी का मुख्य द्वार पर स्वागत करते हुए श्री संदीप बत्रा जी चीफ इंजीनियर सिविल चमेरा सेकंड मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जोरदार ताली मार दो भाई। आज ने चिकन साहब सारे मुख्य मेहमान तशरीफ ला चुके हैं। सो बेनती करते हैं दर्शकों नाल ताली मार दो भाई। ताली मारने लिए मुल नहीं होगा भाई। ताजी ताजी मेहंदी करवा चाहो तो घर के विच बीबियां भेणे ने लाई है ना सेज के और बैठे हुए जोरदार तालियों के साथ जोरदार ताली। चीफ सिविल चमेरा सेकंड श्री जितेंद्र कुमार जी चीफ में बड़े धूमधाम जी चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल चमेरा सेकंड ये सब भार्गव जी मैनेजर एचआर इन सभी महानुभावों का एक सबसे हम क्रिया दंगल दो हफ्ते यहाँ पर अभी छोटे पहलवानों की कुश्तियां करवाई जा रही है। पूरे देश से आए हुए नामी पहलवान जो यहाँ पर आपके सामने अपने जोड़ दिखाएंगे। श्री सचिन जी जो गाड़ी में सामान पड़ा है कृपया उसे अंदर लाने की कृपा करेंगे।
हले महादेव शिव भोलेनाथ की धरती पिंड की कृपालता साढ़े बिल्लू रेफरी जी पूरा इंतजाम दोनों जोड़ियों के पहलवान अपने आप को बिल्कुल तैयार करें सागर भाई सोनू चंबा हाथ लग रहे सैफ जडेजा श्री धर्मपाल प्रधान श्री देशराज राणा जी अध्यक्ष कार्यक्रम तो हो जाए एक बार हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी को बैज बनाकर सम्मानित करते हुए श्री रणी भद्रा जी को ट्रॉफी पहनाकर शॉल पहनाकर सम्मानित किया गया और साथ में हमारे तीसरे अतिथि श्री अतुल भार्गव जी मैनेजर एचआर इन्हें बैज पहनाकर सम्मानित करते श्री वीर सिंह मल्होत्रा जी धर्मपाल प्रधान ग्राम पंचायत क्रिया जोरदार तालियां रहनी चाहिए अतिथि का स्वागत भारत में कैसे होता हमारे देशों में रह जानी चाहिए चंपा थाल दिया गया भगवान हनुमान जी सम्मानित किया गया वीर सिंह मल्होत्रा जी के द्वारा इसी के साथ काका पहलवान कोहाली मैं निवेदन करूंगा इसी के साथ अखाड़ा मेरे पहलवान साथियों से निवेदन जल्दी अखाड़े के अंदर आ जाएं जी मैनेजर एचआर जॉनी पहलवान जिन्होंने पिछले वर्ष यहां पर रेफरी के रूप भगवान की इच्छा अनुसार स्वर्ग हो चुके हैं मेरे सब जितने भी यहां पर दर्शक गए हैं सबसे निवेदन रहेगा कि एक मिनट के लिए बहुत ही बढ़ चढ़ करके इस साल भी सहयोग दिया है पीछे भी सहयोग दिया था और कमेटी की तरफ से मैं उम्मीद करता हूं कि ये आगे भी हमारा इसी तरह सहयोग रहेगा सर ये जो मेले हैं ये आपस के प्यार के प्रतीक है इन मेलों में कोई जाति पाति नहीं कोई ऊंच नीच नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं हर धर्म के लोग यहाँ आकर के छिंज मेले में शिरकत करते हैं वह छिंज मेले को चलाने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग भी करते हैं मैं खास करके क्रियावासी मुगला निवासी जो खराड़ी निवासी सभी नौजवान और चंबल नगर के भी हमारे प्रदेश के नागरिक हैं जिन्होंने हमारी तन मन धन से सेवा करी है और मैं सभी से ये अपील करूंगा कि इस बार तो हम थोड़ा लेट हो गए किसी कारणवश अगले वर्ष हम सभी को वो लखदाता तंदुरुस्ती बख्शेगा हम इस मेले को सितंबर मास में करवाएंगे ये मेरा चेयरमैन साहब से भी निवेदन था और इस मंच से भी आप सभी को निवेदन रहेगा कि अगले साल लखदाता की कृपा से हम सितंबर मास में इस मेले को करवाएंगे और मैं चमेरा चरण दो के पूरी मैनेजमेंट को श्री आलोक कुमार जी जनरल मैनेजर जो है उन्होंने हमें बहुत सहयोग दिया है किसी कारणवश वो चले गए हैं टूर पर तो उन्होंने मुखिया वेंद्रा जी को अपनी जगह भेजा है मैं श्री आलोक कुमार जी का मुखिया वेंद्रा श्री संदीप बत्रा जी का श्री जितेंद्र कुमार जी का वह खास करके श्री अतुल भार्गव जी मैनेजर एचआर
हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है सर, हम भार्गव साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करवा दीजिए और ये तुरंत हमारी बात को सॉल्व करवा देते हैं। मैं इस मन से उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद। नमस्कार और शुभकामनाएं सारी मैनेजमेंट कमेटी को, खासकर देसराज राणा जी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आपने हमें बुलाया, यहाँ सम्मानित किया। हम भी करियां गांव के निवासी हैं और इस बात की बड़ी खुशी होती है जब आज अपना हम पता बताते हैं सबको कि हम गांव करिया चंबा में रह रहे हैं, आप लोगों के बीच आपका ही हिस्सा है, क्योंकि ये सरकार का प्रोजेक्ट है, आप लोगों का अपना प्रोजेक्ट है, आप लोगों का अपना एसेट है। और मुझे लगता है कि जितनी खुशी हमको होती है कि हम करिया गांव के निवासी हैं इस वक्त, उतनी आपको भी खुशी होती होगी कि ये प्रोजेक्ट आप लोगों के बीच में है। और आप सबको मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। ऐसे खूबसूरत जो आयोजन है उसमें आकर के हमको भी अच्छा लगता है। मेरी तरफ से, जितेंद्र कुमार जी की तरफ से, अतुल भार्गव साहब की तरफ से, पुनः देशराज राणा जी को चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी, पूरी मैनेजमेंट कमेटी को इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत बहुत बधाई, थैंक यू, धन्यवाद। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जी है, सर आपको बता दूं यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है आज से ठीक 2 साल पहले इसी अखाड़े के बीच में, सभी भाई सर आज से 2 साल पहले जब देशराज राणा जी, भीर सिंह मल्होत्रा जी और क्रिया दंगल कमेटी वालों ने जब मुझे यहाँ पर बुलाया तो मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन ठीक 2 साल के बाद आज रत्नाथा पीर की कृपा हो गई, भीर भजन जी की कृपा हो गई, बुजुर्गों की कृपा हो गई और आज मुझे पूरे हिमाचल में जाना जाता है। आज जब मुझे इन्होंने बुलाया तो मैं दौड़ा चला आया और एक बार फिर से मुबारकबाद देना चाहूंगा कि यह दंगल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैले, देशराज राणा जी की पूरी टीम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति पाए और आप जैसे अतिथिगण यहाँ बार बार आए। और जितना एक बार फिर से इंतजार रहेगी कि जितने हमारे पहलवान भाई आए हुए हैं, हमारे कमेंटेटर भाई आए हुए हैं, उत्साह बढ़ाइएगा और इस मेले में और 4 चांद लगा दीजिएगा, क्योंकि ये मेला हम सब की शान है। और सर चंद पंक्ति आपके लिए कहना चाहूंगा कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी माटी को हिंदुस्तान कहते हैं। और आप सब के लिए, आप सब सलामत रहे कयामत तक, आप सब सलामत रहे कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत ना आए, और खुदा करे कि कयामत ना आए। रेफरी हमारा जो कमेंटेटर है भाई, ओके माइक ओवर टू यू, और आगे का कार्यभार संभाले, जब गेस्ट आएंगे तो आपके बीच में फिर से हाजिर होऊंगा। 4 पंक्तियां सुनाइया ने मेरे वीर ने, मां सरस्वती वास करती है इन्हां दे कंठ दे विच, राजी कुश्ती रजत पहलवान नूरपुर सफेद लंगोट दे विच। अगली कुश्ती के लिए हाथ जोड़ी, इनके साथ हाथ जोड़ी करेंगे विशाल पहलवान पठानकोट। उड़ जाए कहते कुश्तियों की मां बाप छूट होने जा रहे ने, हुण रजत पहलवान हिमाचल तहसील नूर, बहुत वधिया कुश्ती मैदान। अगली कुश्ती अकबर पहलवान मलेरकोटला, विशाल पहलवान पठानकोट, लावे गुलाब आज चिचड़ है हिमाचल की धरती, नूरपुर तहसील का पहलवान चिचड़ है भाई, क्या बात है भाई, ताड़ी मारो भाई, जोरदार ताड़ी मारो भाई। सहयोग साडे देशराज भाजी होना दा, साडे परशोत्तम भाजी होना दा, रमेश महाजन जी होना दा, वीर सिंह जी होना दा बहुत बड़ा सहयोग है, ते बहुत बड़ा सहयोग साडे शानू भाजी होना दा, से खाड़े नूं सजाउण वास्ते एक बार जोरदार ताड़ी मारो मेरे भीरां ने, मेरे भरावां ने।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ ਰਾਜ ਭਾਜੀ, ਸ਼ਾਨੂ ਭਾਜੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭਾਜੀ, ਰਮੇਸ਼ ਭਾਜੀ ਔਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤਾੜੀਆਂ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਚਾਰ ਵੀਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਟੌਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ
ਵਾਲੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਗਾ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ
ਸਾਡੇ ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ thank you.
साउंड सिस्टम थोड़ा बिगड़ गया सी, इस करके थोड़ा जिहा ब्रेक लग गया सी। बहुत वधिया कुश्ती मैदान दे विच लवे कुश्ती भी लपड़ गई है। गोपाल पहलवान ओखरपुर अपने के पास है कुश्ती। तालम पहलवान मलेर कोटला चोली पहलवान नलिया दे विचकार मुकाबला चलदा पिया है। बहुत वधिया कुश्ती मैदान दे विच इस लागे दा लोकल पहलवान चिट्टे रंग दे गोड़ विच चमन पहलवान चंबा चुवाड़ी जोरदार ताड़ी मारो इस कुश्ती लई। दूजे पास जम्मू कश्मीर जिला उधमपुर बहुत बढ़िया कुश्ती की हाथ जुड़ी हो चुकी है। लक्की पहलवान हाड़ा पपलू पहलवान होशियारपुर चन्ना में तेरी चांदनी तू दीवा में तेरी लोत एक चार है तेरी मेरी घर का नुआपा दो चन्ना में तेरी चांदनी तू दीवा में तेरी दो दोवे है कुश्तिया पले पले हो भी है। कहते कुंडिया के साना वाले पेड़ समय समय दिया गला लगोटा चलती पकड़ में थोड़ा चाहिए लगोटे का ध्यान ता मर ले। बहुत बढ़िया कुश्ती मैदान के श्री मदनलाल पहलवान लगते जी के दूसरे पास प्रवीर पहलवान पठान कोटिया बहुत बड़ी कुश्ती मानसर सनी मानसर अंकू नूरपुर क्या बात है ताड़ी मार दो भाई। आओ देखो वे अंकू पहलवान हिमाचल की धरती का शहजादा नूरपुर तहसील जिला कांगड़ा कहते बाड़ी बरसी खट्टे के आदी खट के ले आदी खट्टी अगली कुश्ती के लिए सागर और कोला। हां जी कुश्ती का की बनया जी जोली का एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए क्योंकि हमारे बीच में श्री अजय कपूर जी देश के चंबा अंचल की गहराइयों से इनका स्वागत करते हैं। छिंज मेला 2018 में एक बार जोरदार तालियां आप सबकी रहनी चाहिए। मैं पहले भी कह रहा हूं क्योंकि ये जो पहलवान हमारे और और जब तक मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ पर आता रहूंगा। रमेश श्री देशराज राणा जी चेयरमैन छिंज जंगल कमेटी 2018 श्री धर्मपाल जी प्रधान ग्राम पंचायत क्रिया श्री पुरुषोत्तम हिमान जी चीफ ऑर्गेनाइजर श्री वीर सिंह मल्होत्रा जी कैशियर सब सेक्रेटरी श्री रमेश महाजन जी उप सचिव Thank you.
कुश्ती मेला कमेटी में आयोजन आयोजन इन महानुभाव के द्वारा जी मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने बहुत मेहनत की और उस परम पिता परमेश्वर से काम है सागर भाई जी स्वागत करते हुए अग्रवाल जी का स्वागत करते हुए एक बड़ी खुशी वाली गल है साडे सामने बहुत बड़े बड़े महान सचिव प्रसाद विराजमान रहे हैं एक बड़ी खुशी वाली गल देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश चंबे जिले के विच जिथे बहुत बड़ा फलाव देखने को मिलता हिंदू वीर का ते मुस्लिम वीर का चंबा जिला एक ऐसा जिला हिमाचल का विच जिथे मुस्लिम वीर का भी बहुत बड़ा वास है हिंदू वीर का भी बहुत बड़ा वास है एक बार फलाव ले जोरदार ताड़ी मारो बुजुर्ग भाई बहुत बड़ा प्यार देखने को मिलता है चंबे जिले के विच हिंदू वीर का ते मुस्लिम वीर का समय भाई इस प्यार तो सुनो की गल बहुत बढ़िया चेते आई है इस शहर में बहुत बढ़िया गल कही है भूषण भाई जी कहते हिंदू धर्म से नफरत करो ये कुरान नहीं कहता अरे भारत की मस्जिदें तोड़ो ये राम नहीं कहता अरे रोटी का कोई धर्म नहीं होता पानी की कोई जात नहीं होती जहां इंसानियत जिंदा है वहां मजहब की कोई बात नहीं होती अरे किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है और किसी को लगता है कि मुसलमान खतरे में है अरे मजहब का चश्मा तो उतार कर देखो यारो हमारा तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है अरे मजहब का चश्मा तो उतार कर देखो यारो हमारा तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में है ये गाल दुनिया की जोरदार ताड़ी मार के मार दी छुन बहुत बड़ा धमाल है आज हिमाचल का जिला चंबा पर जितने हिंदू भी ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੈਸਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਕਤਲ
की रंग बखाए पैसा यार, उस पैसे दे रंग बखरे बेटे दे की रंग बखाए पैसा। जे गल्ला चली आ गया ताड़ी मार के मान बख्शा करो। दिल्ली कुहाड़ी महेंद्र बघेलगढ़ अखाड़े के बीच में आ जाए दोनों पहलवान। दिल्ली कुहाड़ी महेंद्र बघेलगढ़ बिल्ली पहलवान पहलवान चंबा जोरदार ताड़ी मारो भी। अमिंदर पहलवान भी इस इलाके का तैयार रहे।
ਕੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜੂ ਫੋਰਮੈਨ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਠਾਨ ਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਮੈਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਅਜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਲਵਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਬੱਤੀ ਬੋਰ 12 ਬੋਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜਾ ਕੋਹਾਲੀ ਪੱਠਾ ਪਦਾਰਥ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੰਗ ਪੂਰੀ ਜਿਗਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜੀਦਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਭੂਸ਼ਣ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਨੂਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਠਾਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੋਲਾ ਲਲੀਆਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿਆ ਸੀ ਜੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆਪੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਜੀ ਆਪਕਾ ਆਰ ਪਾਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੀਨ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਅਖਾੜੇ ਮੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲੇਗੀ ਬੋਲਾ ਜੀ ਪੈਣੀਆਂ ਲੋਟਾ ਲਓ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਹਸਾਏਗੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹਸਾਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਹਸਾਏਗੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਹਸਾਣੇ ਵਾਲੇ ਅਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤੰਗੜ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਚੁਗਲ ਖੋਰੋ ਸੇ ਬਚਾ ਲੋ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਮਸਜਿਦ ਕੋ ਚੁਗਲ ਖੋਰੋ ਸੇ ਬਚਾ ਲੋ ਅਰੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਕਭੀ ਫੁਰਸਤ ਮੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਨਫ਼ਰਤ ਸੇ ਟੂਟੇ ਹੈ ਵੋ ਘਰ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੋ ਅਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀ ਛੱਤ ਕੋ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀਓ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਾਨੇ ਵਾਲੋ ਅਰੇ ਇਹ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦੋਂ ਕਾ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਰੋਜ਼ ਨਏ ਝੰਡੇ ਮੇਂ ਡੰਡਾ ਫਸਾਨੇ ਵਾਲੋ ਅਰੇ ਰੋਜ਼ ਨਏ ਝੰਡੇ ਮੇਂ ਡੰਡਾ ਫਸਾ
ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਪੁੱਛੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨਵੇਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਔਰ ਸਾਗਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭੋਲਾ ਅਟਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਟੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕੱਕਰੀਆਂ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਸਲਾਨਾ ਜਿੱਤ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਠਾ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਲਈ। ਵੀਰ ਕੁਹਾਲੀ, ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁੰਦਾ ਰੇ ਵੀਰੇ ਪਰ ਖਾੜਿਓ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ। ਸਿੰਘ ਰੋਹਤਰਾ ਜੀ
पहलवान बिल्कुल तैयार रहेंगे। चमन चवाड़ी, रमेश बघेलगढ़, चमन चवाड़ी, रमेश बघेलगढ़। तशरीफ ला चुके ने श्री ब्रह्मानंद जी, साढ़े चीफ गेस्ट साहब, साढ़े मुख्य मेहमान। तो मैं बेनती करांगा एक बार जोरदार ताड़ी मार दो भाई साढ़े मुख्य मेहमान जी लई, जिन्होंने सियासी जिंदगी दे विचों कीमती समय कढ़ के साढ़े जंगल की रौनक नूं वधाया, साढ़ी छिज नूं चार चन्न लाए ने। एक जरूरी सूचना, जो पहलवान कुश्ती करके रावी में नहाने के लिए जा रहे हैं या रावी के किनारे जा रहे हैं, कृपया वो पहलवान या कोई भी दर्शक रावी के किनारे ना जाएं, क्योंकि किसी भी वक्त ऊपर से पानी छोड़ा जा सकता है और आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि अचानक ऊपर से पानी आएगा और आपके लिए। रावी बहुत बड़ी गहराई है, गहराई का अंत नहीं है इस रावी का। इतने सोनी मही बाल वाला फिर किस्सा न लिखा जाए, इस करके बेनती है कोई भी पहलवान रावी दरिया में जाके ना स्नान करे ना जावे। लवे कुश्तिया को टाइम दिता हुआ पांच मिनट का, कुश्ती पॉइंट दी है, लवे पहलवान अंदर आ जाए। अजय उधमपुर कुश्ती जीत चुके हैं, अगली कुश्ती राणा कोहाली, इससे पहले मीना और तारक। लैवे बहुत वधिया कुश्ती मैदान दे विच, मिंदा ते तालब, मिंदा पठानकोट आता हूं। कमेटी ने 11 बजे का समय दिया था, मैं 15 दिन पहले ही पहलवानों से 11 बजे का समय दे बैठा हूं। 3 बजे आप अखाड़े में आ रहे हो और छोटे छोटे बच्चे को अभी अपनी मर्जी से अखाड़े में, किसी ने नहीं बोला, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं बहुत बढ़िया पहलवान है, इनकी कुश्ती मिंदा अखाड़ा चक माधो सिंह, रंजू पहलवान जी के लखते जिगर, कालेलकोट में मिंदा पहलवान जी, इंटर कॉलेज इंटर वर्सिटी के कोटला,
जो आजकल पूरे फिट है। तालब जान शुरू करिए कुश्ती, जोरदार ताड़ी मारो, ताड़ी मार देना बल्ला दे ले। आज के स्पेशल की बड़ी कुश्ती के पहलवान, आज के स्पेशल की बड़ी कुश्ती के पहलवान, वो भी अखाड़े के बीच में आ जाएं हाथ जोड़ी के लिए। बता चुका हूं कि जब सुल्तानपुर दंगल शुरू हुआ था पहले ही साल, जब प्रिंस कोहाली और इनकी कुश्ती हुई थी, माली के लिए कुश्ती हुई थी और इन्होंने जीती थी। इनके साथ कुश्ती करेंगे काका कोहाली, गुरसेवक खन्ना, काका कोहाली जोरदार ताड़ी बजी, कुश्ती ने हाथ जोड़ी ली। टोली साहब पुशल बजी करमा वाले होंगे ने कराटे भाई, जिथो ऐदा दे लाल पैदा होंगे ने करमा वाली होंगे ने मावा पिछड़ा भी कोख के बच्चों कहते बड़े मन पैदा होंगे ने। किसी शायर ने बहुत बढ़िया गल कही है, कहते जदों जदों मना पैंदा है तो मंजिला वाला यारो रस्ता नहीं आसानी का, दीपक जवाली वाला अज मुल पैजू लखा बेच, पहला वेख समझ के मुल जवानी का, पहला वेख समझ के मुल जवानी का, अज जवानी के मुल पैने ने, अज जीदारी के मुल पैने ने, जोरदार ताड़ी मारो भी अज की बड़ी कुश्ती की हाथ जुड़ी है। अगली कुश्ती के लिए गूंगा 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 ललिया, सुन पाते हैं लेकिन कुश्ती बहुत अच्छी करते हैं। बहुत बढ़िया कुश्ती चल रही है अखाड़े में, चमन हो गई कुश्ती, हो गई कुश्ती, चमन चुवाड़ी कुश्ती जीत चुके हैं। वाह जी वाह, साउंड सिस्टम तैयार किया हुआ है, महिंद्र भाई ने कहते बल्ले बल्ले करवा दी। कुश्ती कर लेते हैं वो अपना मान सम्मान ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੋੜ ਦਾ ਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤਾੜੀ
ਦੇਵੇ।
बहुत बड़े मान बचे एक पास शिवी ढोली कलब का मान बचे एक पास साढ़े बोला तो खुश हो गए सानू भी पांच सौ कलब का मान साढ़े पिट्रो फर्नीचर हाउस वाले वालों इन्होंने पूरे स्टाफ वालों सू बख्शे पांच सौ कलब का मान मेरा लख देता पीर इन्होंने घर के वादे दबा के सब जरूरत पूरी करे नवे कुश्ती अखाड़े के भंगड़ा पाते हैं पहलवान जी बहुत अच्छी कुश्ती है दोनों ही बहुत बढ़िया पहलवान है करवाई है कुछ कुश्ती हमने पॉइंट पर करवाई है लेकिन इस कुश्ती का रिजल्ट
ਅਜ਼ਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮੇਰਾ ਲੱਖ ਦਾ ਪੀਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੁਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਟੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੀ ਛਿੰਝ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗਲ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਲਾਵੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾਕਾ ਗੁਹਾਲੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਾਬਾ ਫੁੱਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨੋ ਕੀ ਵੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨੀ ਥੀ ਅਖਾੜੇ ਮੇ ਆਨਾ ਪੜੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕਮੇਟੀ ਸਦਸਯ ਆਜ ਕੇ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਅਖਾੜੇ ਮੇ ਲੇਕਰ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਜੇਸਰਾਜ ਰਾਣਾ ਜੀ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਸ਼ਾਨੂ ਭਾਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋ ਆਜ ਕੇ ਜੋ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਅਖਾੜੇ ਮੇ ਲੇਕਰ ਆਏ ਔਰ ਬੜੀ ਮਾਲੀ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਬੜੀ ਮਾਲੀ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕਾਕਾ ਕੋਹਾਲੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਅਖਾੜਾ ਖੰਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਆਪਣੇ ਸਰਕਮਲਾ ਦੌਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਜੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੰਗਲ ਭਾਜੀ ਆ ਜਾਓ ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੀ ਬੜੀ ਮਾਲੀ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੋ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਕਰ ਸਟੇਜ ਪੇ ਵਾਪਸ ਜਾਤੇ ਹੋਏ ਆਜ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਜੀ ਕੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਅਖਾੜੇ ਕੇ ਬੀਚ ਮੇ ਔਰ
हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मानंद जी, राजीव गांधी पंचायत राज संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक परमौर, हमारे बीच में इन्होंने बड़ी बारी के पहलवानों को आशीर्वाद दिया और बीच बीच में मैं भी आता हूँ भाई। बता दूं कि ये जो दंगल है वह सिटी चैनल और चंबा हलचल के माध्यम से अपने टीवी में या तो अपने मोबाइल फोन निकालेगा, मोबाइल फोन में सिटी चैनल और चंबा हलचल को निकालेगा, उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा इस दंगल को, आप अपने मोबाइल चैनल पर भी देखिएगा। इसके साथ हमारे राज्य करवाने व्यक्ति सुल्तानपुर पटन से लाए हुए हमारे मेहमान, इनका भी व्यक्ति गहराइयों से स्वागत है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी भाई, तालियां एक बार जोरदार रहनी चाहिए। और जो कमेटी है उन्हें आपके बीच में बता दो, श्री देश राज राणा जी चेयरमैन, रमेश महाजन जी उप सचिव, सानू जी खाना मैनेजमेंट कमेटी, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूंगा मैं संजय अग्रवाल जी, विशाल अग्रवाल जी, विजय अग्रवाल जी, सतपाल मेहरा जी, अमर सिंह कॉन्ट्रैक्टर और जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं। आज आपके बीच में बड़े बड़े पहलवान जो ये दिखे और जो बड़ी वाली चली हुई है, ये सभी इस कमेटी के माध्यम से। Thank you.
को बैच पहना कर सम्मानित करते हुए श्री देशराज राणा जी चेयरमैन कुंज मेला कमेटी क्रिया मुख्य अतिथि महोदय जी को बैच पहना कर इन्हें सम्मानित करते हुए साथ में टोपी और शॉल पहना कर इन्हें सम्मानित करते हुए टोपी पहना कर सम्मानित करते हुए हमारे तालियां हो जाए भाई एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी के लिए श्री मानिक चंद जी को बैच पहना कर सम्मानित करते हुए श्री वीर सिंह मल्होत्रा जी बताओ दिखाते हैं बड़े वाले मेहेंद्र जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करते हुए हमारे चीन मेला कमेटी के सभी सदस्य सुल्तानपुर दौड़ में इनके द्वारा बहुत अच्छे से मैनेज किया जाता है और आप सबके बीच में अभी जयराम सिंह जी और इनके साथ श्री ओम प्रकाश जी श्री कृष्ण ने महासभा में काम किए थे
गए। चतुरान सेना पाकर दरिया से मन में फूल गया, माधव की माया भी माया को बिल्कुल भूल गया। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध में अस्त्रों का न धारूंगा, मात्र सारथी बनकर अर्जुन को रण क्षेत्र में उतारूंगा। इन पहलवानों के गुरुओं ने इन्हें अर्जुन, वो कृष्ण है गुरुवर, उन्हें प्रणाम है और अर्जुन हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी माली के पहलवान देखिए, बड़ी माली के पहलवान और बिट्टू भाई सभी झूम रहे हैं। मैं देखना चाहता हूं कि चंबा वाले भाई तालियां कैसे बजाते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, सीटियां हो जाए, फिर देखिएगा गांव किस तरह से आते हैं। गांव बहुत अच्छे अच्छे हमारे पहलवान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। काका जी आप बीच में रहिए, आपका
कुछ भी है। और सिल्वर पहलवान और साका पहलवान विचार मुकाबला बहुत बढ़िया कुश्ती आज की बड़ी मारी बड़ी झंडी की कुश्ती मैदान भी है और छोटी छोटी बच्चिया का मुकाबला भी है। एक जरूरी सूचना, 10 नवंबर दिन शनिवार, 10 नवंबर दिन शनिवार कुंडी वाले बाबा जी गांव हाला चक्की के पास हर साल की तरह इस साल भी बड़ा टेंडर करवाया जा रहा है, जहां बड़ी माली की कुश्ती सुख बबे हाली जिन्होंने पिछले ही दिनों गुरपाल खन्ना को हरिकेश खली जिसे छोटा खली कहते हैं उसको भी जीत किया है, उनकी कुश्ती पिंडर समाना के साथ होगी और अलग अलग अखाड़ों के पहलवान प्रितपाल फगवाड़ा बाज और ताज रौनी अंग्रेज दुमचड़ी अमृतपाल करण गोलवाग सोनू सरसा शरीफ और छोटा भोला धरेता अखाड़ा चिरकपुर अखाड़ा जलंधर अखाड़ा कोहाली अखाड़ा जम्मू हिमाचल इत्यादि अखाड़ों के पहलवान वहां पर कुश्ती लड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। सारे दर्शकों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि वहां पहुंचे और कुश्तियों का आनंद लें। Thank you.
अंकल जाने जी सरी सामने जरा जी